किशनगढ़ बस स्टैंड पर हमेशा अवैध वाहनों का लगा रहता है जमावड़ा। बस स्टैंड परिसर में प्राइवेट वाहनों और टैक्सी गाड़ियों के खड़े होने से आए दिन यहां बनी रहती है जाम की स्थिति। स्टैंड पर टैक्सी चालकों द्वारा शराब के नशे में महिलाओं को छेड़ने की कई बार घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ग्रामीणों ने इस बारे में शिकायत पुलिस को भी की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। पुलिस थाने से महज 200 कदम की दूरी होने के बावजूद भी पुलिस अपराध को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही। कस्बे के बस स्टैंड पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है। बस स्टैंड पर अवैध टैक्सियों के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। बस स्टैंड कस्बे के बीचों बीच होने के कारण स्कूल और कॉलेज की छात्राएं भी स्टैंड से निकल कर जाती हैं, जहां पर अवैध वाहनों के चालक भी आए दिन स्टैंड पर छात्राओं और यात्रियों को छेड़ने से बाज नहीं आते। बस स्टैंड पर रोडवेज के अधिकारी व ग्रामीणों द्वारा अनेकों बार शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। बस स्टैंड पर अवैध वाहनों का काफ़ी दिन से जमावड़ा लगा हुआ है, लगातार बना हुआ है। इसके चलते कि यहाँ पर जो रोड की बसें हैं उनको खड़े होने में भारी परेशानी है, और यहाँ पर लगभग हजारों सवारियाँ यहाँ से दिल्ली, अलवर या जयपुर साइड आती जाती हैं। तो यहाँ पर अवैध वाहनों के जो चालक और संचालक हैं वो लोग आने वाली सवारी से पक्तियाँ कसते रहती हैं। इसे शिकायत भी कई बार कस्बे वासियों द्वारा की गई है, बस स्टैंड के कर्मचारियों द्वारा पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन इस पर कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।